राहुल गांधी की 40% वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का करारा प्रहार। राहुल के आरोपों का दिया चुन चुन कर जवाब। कॉन्क्रीट आरोप हो तो कोर्ट में जाना चाहिए, ना एक भी जांच है ना एक भी मुकदमा है। किस प्रकार से ऐसे निराधार आरोप पर जनता विश्वास करे? जनता विश्वास नहीं करती। जनता विश्वास नहीं करती है, गृह मंत्री अमित शाह का ये जवाब है राहुल गांधी को। ये जवाब है राहुल गांधी के उस आरोप का जिसमें वो 40% कमीशन लेने का आरोप कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर रैलियों और रोड शो का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे और मेगा रोड शो में शामिल हुए। शाह के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान पत्रकार से बात करते हुए अमित शाह ने कर्नाटक में अपनी जीत को लेकर बड़ा दावा किया और राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोप पर भी करा प्रहार किया। आप भी सुनिए। देखिए, हसन में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक हसन में अकेले प्रताप गौड़ा हमारे विधायक थे, इस बार हम 4 सीट जीत कर हसन के अंदर बहुत आगे जा रहे हैं। कांग्रेस का जातिवादी चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी लिंगायत वोकगिला एससी एसटी वोकलिगा एससी एसटी सबको साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। ओबीसी समाज को भी साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। कहीं चुनने का सवाल ही नहीं, जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। कांग्रेस को निश्चित रूप से करारी हार मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो करे जिक्र, कॉन्क्रीट आरोप हो तो कोर्ट में जाना चाहिए, ना एक भी जांच है ना एक भी मुकदमा है। किस प्रकार से ऐसे निराधार आरोप पर जनता विश्वास करे? जनता विश्वास नहीं करती। हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएं। अब राहुल जी को तो मैं जवाब नहीं दे सकता, परंतु ग्राउंड रियलिटी में जो देख रहे हूँ, इस क्षेत्र को हमारा हरा हुआ क्षेत्र है, निश्चित रूप से इस बार हम जीतेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन राहुल गांधी भी कर्नाटक पहुंचे थे। राहुल ने इस दौरान राज्य की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला था और सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। क्या कुछ कहा था सुनिए। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखता है, कहता है प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार 40% कमीशन लेती है, आज तक चिट्ठी रिसीव ही नहीं की। जवाब छोड़ो, रिसीव ही नहीं की। मैसूर सैंडल सोप कॉरपोरेशन में एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए कैश लिए पकड़ा जाता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में 80 लाख रुपए की ब्राइब होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पैसा लिया जाता है, स्कैम होता है। असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम होता है। मतलब जहां भी देखो बीजेपी के लोग 40% लेते हैं। इन्होंने सरकार बनाई, पिछली सरकार ये भी इनकी नहीं थी, ये भी चोरी की सरकार थी। मतलब वोट किसी और को दिया, पैसा देके खरीद लिया, सरकार बना दी। अच्छा, इनका एमएलए कहता है, बीजेपी का एमएलए कहता है कि 2500 करोड़ रुपए में बीजेपी का सीएम पोस्ट खरीदा जा सकता है। मतलब आपके भविष्य की कीमत बीजेपी के मुताबिक 2500 करोड़ रुपए। इनको ये 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार 40 सीटें दे देना इनको। जी हाँ, राहुल गांधी ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब जनता किस पर अपना भरोसा जताती है और किसके हक में फैसला सुनाती है, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।